नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज दी पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हां, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लड़कियों की न्यूड वीडियो का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। यहां पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही काला सच जो यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिना नाम छापे जाने की उम्मीद करते हुए न्यूज़ चैनल तक पहुंचाया है, ये सच और ये एक वीडियो आपको चुका देगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए। सच मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायरल बाथरूम वीडियो मामले में छात्राओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुछ छात्राएं बेहोश भी हुई। विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ये खबर फैल गई कि एक स्टूडेंट ने कुछ छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाए हैं और उसे शिमला में रहने वाले एक लड़के को भेजा है। इस घटना के बाद बीबीसी के सहयोगी गुरविंदर सिंह ग्रेवाल चंडीगढ़ लुधियाना मार्ग पर स्थित इस विश्वविद्यालय में पहुंचे। विश्वविद्यालय में 35,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और शनिवार को घटना के बाद फिलहाल वहां शांति है। पुलिस और विश्वविद्यालय का कहना है कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद कुछ अभिभावक अपने बच्चों को वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात सुधरने पर उन्हें वापस भेजेंगे। बीबीसी के सहयोगी गुरविंदर सिंह ग्रेवाल ने इस मामले को लेकर वहाँ की कुछ छात्राओं से बातचीत की। नाम न छपने की शर्त पर कुछ छात्राओं ने शनिवार को देर रात विश्वविद्यालय में हुई इस घटना की जानकारी दी है। छात्रों ने बताया कि इस घटना के बाद विश्वविद्यालय में इंटरनेट बंद है। कुछ ने यह भी बताया कि पहले छात्रावास लड़कों के लिए था, जिसे कुछ समय पहले ही लड़कियों के छात्रावास में तब्दील किया गया है। इस घटना से कुछ छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और चाहती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सुरक्षा के कड़े कदम उठाए। आत्महत्या की अफवाहों के बारे में भी छात्रों ने कहा कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। एक लड़की ने वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बारे में छात्रा ने कहा कि उसे पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन 50-60 लड़कियों के वीडियो बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दहशत के बाद डिस्पेंसरी ले जाया गया छात्राओं को। हमारे सामने छात्राओं को वहाँ भेजा गया। ये डिस्पेंसरी विश्वविद्यालय के अंदर ही है। एक अन्य छात्र ने कहा कि शनिवार की शाम को पता चला कि हॉस्टल की डी ब्लॉक में बाथरूम में कैमरा लगाकर लड़कियों का वीडियो बनाया गया। यह भी कहा गया कि 60 लड़कियों का वीडियो बनाया गया है। मेरे दोस्त भी उस ब्लॉक में रहते हैं, वे इसके बारे में बहुत डरे हुए हैं। उनके माता पिता भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार मांग की कि कॉरिडोर में कैमरे लगाए जाएं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विश्वविद्यालय के एक लड़के पर कई लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में करीब 60 लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का दावा किया गया है। शनिवार की रात की इस घटना की खबर में आने के बाद रविवार को सुबह तक हंगामा चलता रहा। पुलिस प्रशासन ने प्राथमिकता दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। लड़की वीडियो में स्वीकार कर रही है कि इसे वीडियो को शिमला में रहने वाले एक लड़के को भेजती थी। एसपी ने दावा किया कि कथित लड़की ने जो वीडियो बनाया है वह उसका अपना है या कोई और वीडियो नहीं है। शुरुआती जांच के बाद एसपी विवेक शैली सोनी ने बताया कि बच्चियों के आत्महत्या के प्रयास की खबर अफवाह है। जिन लड़कियों को एम्बुलेंस में ले जाया गया, ये वास्तव में विरोध के दौरान बेहोश हो गई थी। पुलिस का दावा है कि जाँच में आने लड़कियों के वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एसपी ने बताया कि हॉस्टल के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ हुई और लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। आत्महत्या की अफवाहों के बारे में छात्रा ने कहा कि कुछ लड़कियां घबरा गई। इसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय की डिस्पेंसरी में भेज दिया गया। शिक्षा पर छात्राओं की चिंताएं और मांगे भी हैं। हम केवल कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। यह छात्रावास पहले लड़कों के लिए था, अब इस लड़कियों के छात्रावास में बदला गया है। इसके बाद पत्रकार गुरविंदर सिंह ग्रेवाल ने खबर दी कि शनिवार रात चंडीगढ़ के पास एक निजी विश्वविद्यालय में कुछ लड़कियों की कथित आत्महत्या का वीडियो सामने आया है। उसके बाद रात के समय परिसर में भारी हंगामा हुआ। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चंडीगढ़ का ये विश्वविद्यालय आपको बता दें कि मोहाली जिले में है। चंडीगढ़ लुधियाना रोड पे है। चंडीगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और अभी तक जांच चल रही है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कौन सी वीडियो, किस प्रकार की वीडियो यहाँ से बाहर भेजी गई है। इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।